फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड मेडल एमसीबी और आइसोलेटर के बारे में। यहाँ पर 6 एम्पेयर का एमसीबी है, 16 एम्पेयर का एमसीबी है और 40 एम्पेयर का एमसीबी है। वीडियो में बने रहे, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और इसका वर्किंग को भी मैं दिखाऊंगा किस तरह से वर्किंग करता है। और बहुत ही अच्छा इसका लुक है, गोल्ड मेडल, जो कि बहुत ही अच्छा से इसका जो प्रोडक्ट है वो बना रहा है कंपनी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। आप देखें, मैं आप सबसे पहले इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो पार्ट्स है वो बहुत ही अच्छा है और इसका वर्किंग तो बहुत ही अच्छा है। टच करते ही इसका जो आइसोलेटर है वो डाउन हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको एमसीबी ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं एमसीबी भी मैंने ओपन कर दिया, अच्छा दिख रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर एमसीबी लगेगा। तो चलिए पहले मैं इसे सेट कर देता हूँ। इसका जो कॉपर का जो प्लेट है, कॉपर का जो शॉर्ट करने वाला जो कॉपर का प्लेट है, मैं उसे सेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से सेटिंग कर लेना है। यहाँ पर हम लिए हैं एक 16 एम्पेयर का, 4 6 एम्पेयर का, यानी कि एक पावर है और 4 रूम है, इसलिए हमने 4 रूम का 4 एमसीबी 6 एम्पेयर का और एक पावर प्लग है, इसके लिए हमने 16 एम्पेयर का एमसीबी लिया है। ठीक है, अभी इसे हम सेट कर लेते हैं। सेट होने के बाद इसको एमसीबी बॉक्स पर लगाया जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगा इसका वर्किंग भी, और पूरा फुल सेटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहें। यहाँ पर नट सब टाइट कर लेना है पहले। टाइट करने के बाद इसको बॉक्स में कैसे लगाना है वो भी आप देखें। देखिए, हमने टाइट कर दिया। अभी इसे ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, इस तरह से खींचना पड़ेगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको सेटिंग करेंगे नहीं। यहाँ पर इसे खड़ा करने के बाद आपको नीचे से सिर्फ पुश करना है, वो जो हमने अभी खींचा उस प्लास्टिक के इसको हल्का सा प्लास्टिक ठो इस तरह से पुश करना है, वो बैठ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये बहुत ही अच्छा से बैठ चुका है, बहुत ही बढ़िया से। अभी मैं आपको एमसीबी, देखिए ये लग चुका है और आइसोलेटर भी हमने लगा दिया, उसका कनेक्शन भी हमने कर दिया। अभी देखिए मैं इसका वर्किंग दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका वर्किंग किस तरह से, टच करते ही गिर जा रहा है, देखिए ये गिर जा रहा है, टच करते ही गिर जा रहा है, इसका मतलब एमसीबी सही है। और जिस एमसीबी में आपको टच करने से नहीं गिरता है उसको हल्का सा पुश करना पड़ता है, समझिए वो एमसीबी प्रॉब्लम करेगा आपको आगे जा करके। तो एमसीबी लेने से पहले आप ज़रूर चेक करें इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।